आज मैं आपको बताऊंगी सिंघाड़ों के बारे में कि सिंघाड़ों के क्या फ़ायदे होते हैं और इन्हें किस तरीके से पकाया जाता है और किस तरीके से खाएं कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सिंघाड़ों से। और सिंघाड़ों को इंग्लिश के अंदर वाटर चेस्टनट कहते हैं। सिंघाड़े हड्डी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। जो लोग वीकनेस या कमज़ोरी महसूस करते हैं, अगर से वो सिंघाड़े खाएंगे तो वीकनेस और कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, उन्हें बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। इसके अलावा हड्डियों में अगर से दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके अंदर भी जो है सिंघाड़े बहुत फ़ायदेमंद हैं। और सिंघाड़े दांतों को भी बहुत मजबूत करते हैं। इसके अलावा खांसी को ख़त्म करते हैं और खून को जो है बहुत अच्छा कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। सिंघाड़े इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं कि बाज़ार के अंदर जो है वो सूखे हुए सिंघाड़े भी मिलते हैं आउट ऑफ सीज़न, क्योंकि इनके इतने फ़ायदे हैं कि हकीम इनको मुख्तलिफ़ तरीके से देते हैं। अगर से आपको वीकनेस महसूस होती है और आपकी टांगों में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है, तो उस सूरत में आप सूखे हुए सिंघाड़े बाज़ार से ले लें, उन्हें पीस कर रात में दूध में डाल के पिएं। लेकिन लाजमी रात में खाली पेट जब होते हैं तभी पीना है, रात में सोते वक्त, यानी खाने के बाद नहीं पीना है इसे। तो अगर से आप खाली पेट रात में पियेंगी तो आपके एक हफ्ते के अंदर ही जोड़ों में दर्द जो है वो कम हो जाएगा और बहुत स्ट्रांग फील करेंगे आप। लेकिन जब सिंघाड़े सीजन के अंदर आते हैं तो आप उन्हें जो है सिंपल बाज़ार से लेकर पका सकती हैं। पकाने के सिंघाड़े के दो तरीके होते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। देखिए सिंघाड़े इस तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले हम सिंघाड़ों को बहुत अच्छी तरीके से धो लेंगे, क्योंकि सिंघाड़ों के ऊपर जो है वो, क्योंकि ये अंदर पानी में होते हैं इसलिए थोड़ा सा लेस होता है इनके ऊपर, उन्हें हम साफ़ कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें चाहिए स्टील का बर्तन, क्योंकि जब ये पकते हैं तो बर्तन को थोड़ा सा काला कर देते हैं, इसलिए स्टील का बर्तन यूज़ करें तो आपको मुश्किल नहीं होगी। और इसमें मैं सिंघाड़े डाल दिए हैं। तो सिंघाड़ों को पकाने का दो तरीके होते हैं, एक हम सिंघाड़ों को पकाते हैं स्टीम करके और एक पकाते हैं हम बॉईल करके। बाज़ार में जो मिलते हैं सिंघाड़े वो बॉईल हुए हुए होते हैं, तो जब हम स्टीम करेंगे सिंघाड़ों को, उसके लिए हम सिंघाड़ों को पहले बर्तन में डाल देंगे और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर कर देंगे, तो लो फ्लेम पर ये थोड़ी सी देर के अंदर पक जाएंगे। और अगर से आप इन्हीं सिंघाड़ों को बॉईल करना चाहती हैं तो इसके अंदर आप भर के पानी डाल दें, जैसे कि आलू बॉईल करते हैं इसी तरीके से बॉईल करिएगा और कवर कर दीजिएगा, तो ये बॉईल हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीके थे पकाने के इनको। लेकिन सिंघाड़े पकेंगे कितने टाइम के अंदर, तो देखिए सिंघाड़े डिपेंड करते हैं साइज़ के ऊपर। अगर से बहुत बड़े साइज़ के हैं तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लेंगे, और छोटे होंगे तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन 30 से 40 मिनट कम अज़ कम इनको पकने के अंदर लग जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सिंघाड़े आप कच्चे खा लें, कम अज़ कम अगर आपको आदत नहीं है तो एक दो ज़रूर खाएं, क्योंकि जब चीज़ पकती है या बॉयल होती है या स्टीम होती है तो हर सूरत के अंदर गज़ाइत कम हो जाती है, यानी विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं किसी भी चीज़ में पकने की सूरत में कम हो जाती है। तो इसलिए जो है कोशिश करें एक दो सिंघाड़े तो ज़रूर कच्चे खाएं, कच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिंघाड़ों को स्टीम दे दी है तो ये पक गए हैं। इसके बाद मैं आपको इनको कट करने के तीन तरीके दिखाऊँगी। अब देखिए सिंघाड़े जो कट करते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए थोड़ी मुश्किल से जो है वो कटिंग होती है इनकी, तो मैं थोड़े से दिखा रही हूँ आपको, इससे आइडिया होगा क्योंकि आसान तरीके हैं तीनों। तो पहला तरीका ये है कि देखें फ्रंट है इसका, इसके ऊपर से आप कट कर लें इस तरीके से, बहुत आराम से निकल आता है। दूसरा तरीका ये है कि जो इसका बॉटम यानी नीचे का हिस्सा है वहाँ से आप इसे कट कर लें, दो कर लें यानी हाफ कर लें इसे, तो फिर निकाल लें। और चाहे तो इस तरीके से हेड को कट कर लें इसके, तो भी आराम से निकल आता है, देखिए निकल आया है। तो ये थे तीनों तरीके इसे कट करने के। उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप सिंघाड़े खाएंगी तो आपको इनके फ़ायदे पता होंगे, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी कि सिंघाड़े क्या होते हैं और कैसे पकते हैं तो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो अगर सी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।